नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Rooms में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ, जो कि प्रॉपर्टी है। इसके फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो 18.5 का फ्रंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो 50 की डेप्थ यहाँ पर आपको अवेलेबल होती है। फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, 5 विला जो है एक जैसे बनाए हुए हैं, 3 एक जैसे हैं और 2 अलग हैं। तो ये 5 विला यहाँ पर सामने की साइड में बने हुए हैं। बात की जाए अगर इसकी फेसिंग की, तो फेसिंग जो है यहाँ पर ये वेस्ट फेसिंग का मकान है। रॉयल सिटी के अंदर जो अपने शिवम विहार है उसके अंदर ये लोकेटेड है। बाहर यहाँ पर देख रहे हैं, ये 40 फीट की रोड है जो कि कनेक्ट होती है, सीधे ही कनेक्ट होती है अपने 80 फीट रोड पर कनेक्ट होती है। तो प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए, 40 फीट की रोड और 80 फीट की रोड यहीं से कनेक्ट होती है। और ये सामने की साइड में आप देख रहे हैं, ये जो विला बना हुआ है ये सेमी डुप्लेक्स है। नीचे की साइड में 2 रूम्स अवेलेबल हैं, साथ ही एक रूम जो है ऊपर की साइड में अवेलेबल है। ऊपर आप देखेंगे पूरा ही जो है एल्युमिनियम, वहाँ पर आपको जो है ऐसे से काम करके दिया गया है। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके हाइट की, मकान की, तो मकान की जो हाइट है मेन रोड से काफ़ी ऊपर दी गई है। इन फ्यूचर जैसे ही रोड वगैरह का डेवलपमेंट होता है 2 साल 3 साल 10 साल तक, तो आपके मकान की हाइट अच्छी है, पानी वगैरह भरने की दिक्कत नहीं आएगी। बारिश वगैरह होती है तो पानी अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको डोर की क्वालिटी मिल जाती है, जो कि आयरन की है। अभी पेंट वगैरह होना बाकी है, POP अभी घर के अंदर हो रही है जैसे कि आप देख रहे होंगे। और यहीं से होते हुए हम लोग चलेंगे इस खूबसूरत से प्यारे से इस विला के अंदर, जो कि इसका सेमी डुप्लेक्स है। और पॉर्च की अगर मैं बात करूँ, पॉर्च का साइज़ यहाँ पर आपको 7x16 का साइज़ है। आप इजीली यहाँ पर अपनी जो है कार आराम से पार्क कर सकते हैं, आपकी जो है आराम से यहाँ पर कार पार्क हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने गमले वगैरह लगा सकते हैं। स्टेयर्स यहाँ पर बाहर से दी गई है, जो कि आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर और साथ ही इसके रूफ पर लेकर के जाएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी फैमिली को इतना बड़ा किया कि जो है हमारे पूरे सब्सक्राइबर 1,00,000 हो चुके हैं। और जैसे ही सिल्वर प्ले बटन आएगा तो उसके साथ में एक अनबॉक्सिंग जो वीडियो है वो ज़रूर आपके साथ में हम लोग शेयर करेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। सामने की साइड में देखेंगे बड़ी सी विंडो, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। हमारे नए चैनल AR डिज़ाइन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर हम लोग जो है नक्शे वगैरह आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। उस वीडियो का, उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप कोई कस्टमाइज नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं AR डिज़ाइन पे, वहाँ जा करके। और एक अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढ रहे तो आप कॉल कर सकते हैं JKS आर्किटेक्ट। अभी देखिए हम लोग आ गए इसके हॉल के अंदर, तो 12x15 का साइज़ यहाँ पर हॉल का मिल जाता है। और 2x2 की टाइल यहाँ पर रेक्टिफाइड लगा करके दी गई है। ऊपर की साइड में देखेंगे POP का वर्क यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि LED कॉप्स के साथ में आपको मिल जाता है। सामने की साइड में बड़ी सी आपको जो मिल जाती है किचन है। अभी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते हैं कि आपका जो मकान होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मगर सर लोकेशन जो है एक मैटर करती है, लोकेशन अलग अलग होती है। हम कोशिश करते हैं आपके लिए अलग अलग जगह जा करके अलग अलग जो है वीडियोस बना सके। अगर कोई प्रॉपर्टी बिल्डर या फिर कोई जो है सेल्स वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और वो वीडियो बनाना चाहते हैं अपने शहर के अंदर, तो हम लोग वहाँ पर भी आके आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अभी हम लोग आ गए हैं इसके किचन की ओर, जो कि पूरी ही मॉडल किचन आपको बना करके दी जाएगी। और साइज़ की मैं बात करूँ तो 5x और जो है यहाँ पर साइज़ मिल जाता है इसका 6x10 का, अच्छा साइज़ है, स्पेसिस साइज़ है। एल शेप में किचन बना करके दी गई है। सामने की साइड में बड़ी सी विंडो आ जाती है। ऊपर आप देखेंगे POP वर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो कि इसकी रूफ पर है, छत पर आप देख रहे हैं। इस साइड में आपको फ्रिज रखने का स्पेस मिल जाता है, जो कि आप अपना यहाँ पर फ्रिज ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहीं से होते हुए इसके 2 रूम नीचे की साइड में आपको अवेलेबल है, साथ ही एक जो है यहाँ पीछे की साइड में और एक फ्रंट साइड में है। तो पहले मैं आपको बैक साइड वाला एक रूम दिखा दूं, और साथ ही यहाँ पर अटैच बाथरूम भी दिया गया है। साइज़ की मैं बात करूँ तो 10x14 का साइज़ यहाँ पर इस बेडरूम का आपको अवेलेबल होता है। ऊपर के साइड में देखेंगे POP वर्क है, साथ ही बहुत अच्छा एक काम यहाँ पर आपको करके दिया गया है। इस वॉल पे पूरी पे ही आपको वार्डरोब बना करके अभी दी जाएगी, अभी नहीं बनी है लेकिन आपको बना करके दी जाएगी। अभी जो है स्लैब्स वगैरह बना करके तैयार की गई है, रेडी की गई है। यहीं पर आ जाता है इसका बाथरूम, और बाथरूम की अगर मैं साइज़ की यहाँ पर बात करूँ तो 5x6 का साइज़ मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है वॉश बेसिन आपका लगा करके दिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका जो है WC, और ये आ जाता है इसका शावर एरिया, जो कि आप यहाँ पर
देख रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही मैं आपको बता दूं अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यहीं से होते हुए आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया। अभी बहुत सारे व्यूवर्स कहते थे कि छोटा मकान मत दिखाइए, थोड़ा बड़ा मकान दिखाइए, तो ये जो है 101 गज में बना हुआ है। साइज़ की अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो जो साइज़ मिलने वाला है यहाँ पर 4 फीट की जो है आपको बैकयार्ड का एरिया मिल जाता है। यहीं से जो है प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट का ऑप्शन मिल जाता है। वेस्ट फेसिंग का ये मकान है जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, और साथ ही वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की प्रॉपर्टीज और भी देखना हमारे साथ में, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी यहाँ पर आपको जो है एक वॉश मशीन लगा करके दिया जाएगा। अभी देखिए काम बाकी है, जब आप वीडियोज़ को देखते हैं या शेयर करते हैं तब तक थोड़ा टाइम हो चुका होता है, तो वीडियोस पहले बनाना मैं ज़्यादा सही समझता हूँ ताकि आपको जो है एक बेहतर प्रॉपर्टी मिल सके। प्राइस मैं आपको इसका बता दूँ, प्राइस होने वाला है इसका 27,51,000 रुपये जो कि ऑफर के साथ में है। यहाँ पर आपको RO, गीज़र, चिमनी और AC बिल्डर के माध्यम से लगा करके दिए जाएंगे। अभी सामने की साइड में यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी आपको जो है कॉमन बाथरूम मिल जाता है। साइज़ की मैं अगर बात करूँ तो स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पर भी बाथरूम का दिया गया है। यहीं से हम लोग आ गए हैं इसके बेडरूम की ओर, जो कि बेडरूम यहाँ पर 9x15 के साइज़ में दिया गया है, और साथ ही AC का सेपरेट पॉइंट यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। POP वर्क ऊपर की साइड में देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा करके दिया गया है। साथ ही LED कॉब्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इस रूम के साथ में आपको जो है वार्डरोब का स्पेस मिलता है जो कि सामने की साइड में है। इस साइड आप देखेंगे यहाँ पर विंडो का प्रोविज़न आपको दिया गया है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। अभी यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके रूफ पर, और इसके जो है इसका थर्ड बेडरूम मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप लोग चल सकते हैं हमारे साथ में इसके रूफ पर। यहाँ बाहर की साइड में आपको वाटर टैंक प्रोविज़न दिया गया है जो कि 6 से 7 हज़ार लीटर का कैपेसिटी का आपको मिल जाता है। देखिए वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए हर रोज़ वीडियो बनाने में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपका जो भी ओपिनियन है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी देखिए हम लोग सिर्फ प्रमोशन करते हैं, आप हमें बोलते हैं बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी कैसा डिज़ाइन चल रहा है, क्या कुछ मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ये हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अभी सामने की साइड में देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको विंडो का प्रोविज़न दिया गया है जहाँ से प्रॉपर पूरा ही जो है वेंटिलेशन आपके घर के अंदर होता रहे। अभी यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरी ही जो है रूफ है, छत है, और यहाँ पर भी आपको जो है ऊपर की साइड में ममटी बना करके दी गई है जिससे कि कभी भी बारिश वगैरह आए तो पानी सीधा अंदर ना जा पाए। अभी यहीं से बाहर का स्पेस आपने देखा, और ये आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर इसके रूफ पर जाने का रास्ता है, और यहीं पर इसका बाथरूम आ जाता है जो कि 5x6 के साथ साइज़ के साथ में है। और इस साइड में आपको जो है 10x14 के साइज़ में एक और बेडरूम मिल जाता है, और POP वर्क यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। 101 गज में बना हुआ है, बहुत ही प्यारा ये सेमी डुप्लेक्स। अभी सामने की साइड में बड़ी सी विंडो, बस इस रूम के साथ में भी आपको जो है वार्डरोब अवेलेबल हो जाती है। देखिए तीनों ही रूम्स के साथ में आपको वार्डरोब अवेलेबल है जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। मैं बालकनी के साइज़ की बात करूँ तो 4 फीट की बालकनी का साइज़ दिया गया है, आप इजीली देखिए लेंथ वाइज काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है, और अच्छा खासा एरिया है, शांत माहौल है, पीसफुल माहौल है। आप देख रहे हैं अभी कोरोना का टाइम है तो लोग बाग चाहते हैं एक शांति भरे माहौल में जाना जहाँ पर कोरोना जैसी समस्या अधिक ना हो, लोगों से ज़्यादा मेल जोल ना हो पाए, जल्दी से जो है किसी के कनेक्शन में नहीं आ पाए, तो ऐसी जगह पे लोग बाग रहना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, या फिर आप रहने के पर्पज़ से एक मकान ढूंढ रहे थे जो कि अफोर्डेबल प्राइस में हो, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही विला लेकर के आ गए हैं, सेमी डुप्लेक्स लेकर के आ गए हैं जो कि 27.5 लाख रुपये के प्राइस के साथ में होने वाला है, यानी 27,51,000 में होने वाला है। साथ ही आपको ऑफर यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं जो कि नवरात्रा ऑफर बिल्डर की तरफ से आपको दिए गए हैं, जो कि RO, गीज़र, चिमनी और एक AC जो है आपको लगा करके दिया जाएगा बिल्डर के माध्यम से। अगर आप इस विला को परचेज करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। साथ ही अगर मैं लोन की बात करूं तो लोन 80% लोनेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि सोसाइटी का बना हुआ है, तो 80% लोनेबल प्रॉपर्टी है। 20% आपको जो है रजिस्ट्री के टाइम पर कैश या फिर चेक के थ्रू आप बिल्डर के साथ में बात करके, जैसा भी आपका बनता है वो आप बिल्डर से बात कर सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर आपको बिल्डर के नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर लेटेस्ट अपडेट हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं, जैसे कि फोटोज, रील्स वगैरह, ये सारी ही चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। आई होप सो आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और इतना प्यार देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम आपके लिए घर बैठे काम करते रहेंगे और आपको घर बैठे एंटरटेन करते रहेंगे। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।